हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओके नाउ लेट अस मूव इनटू द लेसन लास्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखा है व्हाट आर दैट हेब्स शर्ब्स क्रीपर्स क्लाइंबर्स trees algae etc and in this video we will learn about parts of that plants what are that leaf stem root flower fruits seeds birds etc okay first one leaf leaf is the most important part of the plant most leaves of plants are green in color there are different shapes and sizes of leaves mostly लीव्स ग्रीन कलर में होता है बिकॉज दिस ग्रीन कलर इन लीव्स हेल्प्स देम टू मेक फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड देर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीव्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए यीफ लीफ हैज डिफरेंट पार्ट्स द मिड रिब द वेन्स द लीफ ब्लेड और लैमिना लीफ का पार्ट्स क्या है मिड्रिप वेन्स एंड लीफ ब्लेड सी हियर दिस इज ए पिक्चर ऑफ लीफ है एंड देर आर डिफरेंट पार्ट्स आर ऑफ लीफ आर लेबल्ड हियर इच लीफ कनेक्टेड टू द स्टेम स्टेम को कनेक्ट होता है लीफ एंड बीच में एक लॉन्ग वेन है दैट इज कॉल्ड पेटॉइल द पार्ट ऑफ लीफ बाय बीच

स्टेम से कनेक्ट हुआ है एंड टिप ऑफ द लीफ तक एक लॉन्ग एक ही कंटिन्यूअस वेन है दिस इज कॉल्ड मिड रिब ओके द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ डिज़ाइन्स बनते हैं डिपेंड ऑन वेन्स दिस इज कॉल्ड लीफ वेनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन है रेटिक्युलेट एंड पैरल वेनेशन सी दिस पिक्चर फर्स्ट वन इज पैरल वेनेशन है एंड सेकेंड वन इज रेटिकुलेटेड वेनेशन है वॉट इज पैरल वेनेशन इन द लीव्स ऑफ ग्रैस यू माइट है क्या होता है एक दूसरा सो इनको क्या कहते हैं पैरल वेनेशन कहते हैं एंड सेकेंड वन इज reticulate venation, in this type of leaves the design is net like on both sides of the midrib, The ven this venation is called reticulate venation. We can observe the venation in many leaves, find out the what is parallel venation and what is reticulated venation yourself, leaves may two processes, hota hai. first one is photosynthesis and second one is transpiration, what is transpiration? Transpiration is the loss of water from aerial parts of the plant, especially from leaves. Water is lost in the form of water vapors through the tiny openings called stomata present on the underside of leaves. Plant may say water evaporate. Ho jata hai. Water comes out of leaves in the form of water. This process is called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. वी कैन सी दिस बाय स्मॉल एक्टिविटी हम एक पॉलीथिन लेके एक प्लांट के कवर करके उसको अच्छी तरह से ओपनिंग को क्लोज कर देंगे पॉलिथिन का फिर थोड़ी देर के बाद पॉलिथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है क्योंकि लीव्स में से वाटर एवोपरेट हो जाता है वो पॉलीथिन के अंदर जाके ड्रॉपलेट बन जाता है ओके okay?

by the process photosynthesis leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them for this they also use water and carbon dioxide this process is called photosynthesis oxygen is given out in this process the food prepared by the leaves ultimately gets stored in different parts of plant what are that fruits leaves and some type of flowers also we can confirm according to these plants are the primary food providers for us see this picture this is a transpiration evaporation of water from the leaves we can see from the figure transpiration stream movement of water through the plant water absorbs by roots niches say pani absorborum and through the stem लीव्स तक पहुंच रहे हैं एंड वहां से एवोपरेट हो रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्रेशन एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन ऑल टाइप ऑफ ऑफ प्लांट्स नेक्स्ट पार्ट द प्लांट इज रूट रूट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फाउंड अंडर द सॉइल इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लांट एंड आल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट है ये कहाँ पे होता है दिस इज अंडर द सॉइल है इड्स वाटर मिनरल्स टू द प्लांट टाइप्स ऑफ रूट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स टैप रूट एंड फाइब्रस रूट टैप रूट आर सीन इन लार्ज ट्रीस एंड श्रब्स फाइब्रस रूट आर कॉमन इन रूट्स कितने टाइप्स की होती है टू टाइप की है वॉट आर दैट टैप रूट एंड फाइब्रस रूट टैप रूट के लिए एग्जाम्पल क्या है लार्ज ट्रीस एंड श्रब्स है एंड फाइब्रस रूट के लिए हेब्स है

आर इक्वल और नियर इक्वल साइज फाइबरस रूट्स प्लांट्स में ऑल रूट्स इक्वल साइज में होता है एंड नियरली होता है इससे क्या होता है फाइबरस रूट्स की वजह से प्लांट सॉइल को अच्छी तरह से होल्ड करके रखती है एंड टैप रूट में टैप रूट की वजह से उनके रूट्स डीप में जाता है सॉइल के अंदर इसलिए उसको मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर मिलता है इसलिए श्रब्स एंड ट्रीज अच्छी तरह से ग्रो होता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इट गिव्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड द लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट The only function of a flower's cells is the reproduction. Different parts of a flower have different functions. We flower is a reproductive part. Hai. Flower has male and female parts. Hota hai. And different parts of a flower have different functions. Different parts of a flowers and their functions here. Flower is made up of four important parts the sepals the petals and the male stigma and female style here we can see the picture of a flower and there are different parts of flower are labeled here number one is ovary ovary is a center part and second one style and third one stigma look at the picture the permanent parts of the open flower

क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं उसको कट करके ही देख सकते हैं बाई यूजिंग लेंस यू हैव टू ड्रा एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन दर नोटबुक नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर वाइल वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर एडिबल फॉर अस इट कुड बी द शूट्स द लीव्स द रूट्स ऑफ और इवेन अदर फ्रूट्स टोमेटो इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट टू एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यर प्लांट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये फूड है फूटोसिंथसिस में जो प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी स्टोर होता है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑलवेज डेवलप फ्राम ओनली फ्लावर वी नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम ईच अदर Common one, tomato is a classic example of vegetable fruit too.